नमस्कार जी, एस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब आप अमित सर को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर ले। और अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अमित फॉर GSP कोड का यूज़ करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अमित सर के द्वारा अनअकैडमी प्लस पर GS की कुछ क्लास ली गई है, जिसे आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी पर डिफेंस में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके बाद ही आप सर की क्लास को देख सकते हैं। लेकिन सर के द्वारा कुछ क्लास फ्री में भी अवेलेबल है, जो कि स्पेशल क्लास के तौर पर दी गई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन स्पेशल क्लास को देखें और सर के कोर्स को इनरोल कर ले, ताकि आपको समय समय पर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन क्लास को देखें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अनअकैडमी पर प्लस की क्लास किस तरह से वर्क करती हैं। आइए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। इससे पहले बता दें कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, जहाँ पर हम डेली अपने करंट अफेयर्स की PDFs अवेलेबल करवाते हैं। और आपको बता दें कि या जो टेलीग्राम का हमारा एड्रेस है, वह आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। GS पाठशाला के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन के समाचारों में से उन घटनाओं को डिस्कस करेंगे जो कई कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे UPSC, अदर सिविल सर्विस एग्जाम्स, SSC, रेलवे, बैंक एंड DSC, DSC, APF आदि परीक्षाओं में पूछी जाती हों। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो के नीचे जो बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर की जो नोटिफिकेशन है वह मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली राष्ट्रीय खबर से। पहली राष्ट्रीय खबर में हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि हाल ही में सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के जरिए किसान रेल की स्थापना करने की योजना बनाई गई है, वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री कौन है? ये हमारे ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री जो है वह पीयूष गोयल जी हैं। और आपको बता दें, यह जो किसान रेल योजना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसी में हम आगे देखते हैं, आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा किसान के तौर तरीकों को बदलने के लिए एक समिति का गठन किया गया, यानी किसान रेल के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के तहत सरकार किसानों को जल्दी खराब होने वाली वस्तु जैसे मछली, मीट, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जो जल्दी खराब होती हैं, उसके लिए वस्तुओं की ढुलाई के लिए कोल्ड सप्लाई चेन की सुविधा करेगा। केंद्रीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2020 के बजट के तहत जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक आसान राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई किसान रेल जो है उसकी घोषणा की गई थी। आपको याद होगा कि यह जो कोल्ड सप्लाई है, इसकी घोषणा हमारे बजट में इस साल 2020 में की गई थी कि किसानों के लिए उनके जो मास सामान है, यानी सब्जी या फिर बोल सकते हैं मांस मच्छी, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो कि जल्दी ख़राब होती हैं, उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करते हुए और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज ट्रेन में अवेलेबल होंगे, जिसके थ्रू वह एक सप्लाई चेन की व्यवस्था देगी सरकार किसानों को, जिसके थ्रू वह अपना सामान जो है बिना ख़राब हुए जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा पाएगा। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक और प्रश्न की कि उड़ीसा में देश का पहला स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग मिशन शक्ति बनाया गया, यानी यह जो मिशन शक्ति है वह समाज के किस वर्ग को के लिए बनाया जाएगा? तो यह हमारे ऑप्शंस हैं, हमें बताना है कि क्या यह बच्चों के लिए बनाया गया एक मिशन है, या युवाओं के लिए, या महिलाओं के लिए, या वृद्धों के लिए। तो आपको बता दें कि यह महिलाओं के लिए मिशन शक्ति है। महिलाओं को सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर देने के लिए मिशन शक्ति या जो योजना है उसे बनाई गई है। उड़ीसा में यह देश का पहला स्वयं सहायता समूह है। तो यह रहा उड़ीसा से खबर। अब हम आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक और प्रश्न की कि भारत में पोषण परिवर्तन कार्यक्रम के तहत पोषण अभियान में नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन सा स्थान रहा? यह हमारे ऑप्शंस हैं,
आपको बता दें कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो स्थान रहा वह आंध्र प्रदेश का रहा इस अभियान के तहत। इसमें हम और भी जो डाटा है उसे देखते हैं। आपको बता दें कि यह जो अभियान है यानी जो आंध्र प्रदेश में देश का सबसे स्थान रहा उच्च रहा उसमें जो हुआ क्या है कि जो वहाँ की जो सरकार है उसने जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एक मोबाइल अवेलेबल करवाया है जिसके तहत वह सारी जानकारी ले सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार की शिकायत या पोषण से संबंधित जितनी भी जानकारी है महिलाओं और बच्चियों के लिए उससे जागरूक करा सकती है। या पोषण परिवर्तन कार्यक्रम के तहत हुआ एक प्रोग्राम है जो कि पोषण अभियान है। चलिए इसमें इतना ही, हम आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक और प्रश्न की कि हाल ही में 7वें डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। यह हमारे ऑप्शंस हैं तो आपको बता दें कि यह जो पुरस्कार है वह तेलंगाना राज्य कृषि विकास के कुलपति श्री प्रवीण राव को दिया गया है 2017 और 2019 की अवधि में 7वें डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए चुना गया है। स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत सेनानिवृत्त ICAR कर्मचारी संघ द्वारा की गई थी जिसके तहत 2 लाख का नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आइए हम देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिल साई सौंदरा राजन है और हैदराबाद इसकी राजधानी है। और यह रहे राव जी जिन्हें स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 2020 तक देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में भारत का कौन सा राज्य सबसे प्रथम स्थान पर रहा। तो यह हमारे ऑप्शंस हैं। आपको बता दें कि इस श्रेणी में गुजरात जो है देश का सबसे प्रथम स्थान पर राज्य रहा जिसने 64% सौर रूफटॉप स्थापित किया है। हम आगे देखते हैं। आपको बता दें कि 2020 तक छतों पर लगभग गुजरात सरकार के द्वारा जो है 50,915 पैनल लगाए जा चुके हैं। गुजरात सरकार 2022 तक इस योजना के तहत लगभग 8 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कवर करने के लिए एक अभियान चला रही है जिसका नाम सूर्य गुजरात है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है जिसने 5,513 रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाए हैं जो कि दूसरे नंबर पर है। गुजरात की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक और प्रश्न की। प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय ने अपने सामुदायिक रेडियो कांची 90.4 FM अब सबका रेडियो का शुभारंभ किया है। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, बताइए कि झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो यह हमारे ऑप्शंस हैं। आपको बता दें कि झारखंड के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वह द्रौपदी मुर्मू हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। और ये रही द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में झारखंड की राज्यपाल हैं। इसमें इतना ही, आइए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि नासा द्वारा 5वें मार्स रोवर का नाम बदल कर क्या रखने का ऐलान किया गया। यह हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। आपको बता दें कि अभी तक मार्स का जो नाम है मार्स 2020 ही रखा गया था। यह जो वाहन है, खोजकर्ता वाहन है, अब इसका नाम बदल कर परसीवरेंस रोवर रखा जाएगा। यह एक व्हील्स डिज़ाइन किया गया है जो कि मार्टियन चट्टानों से नमूने को सैंपल को एकत्रित करेगा जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों को लाल यानी मार्स ग्रह में मौजूद प्राचीन सूक्ष्म जीवों के बारे में खोज करने के लिए। और आपको बता दें कि प्रीस सीवरेंस जो है वह रोवर 5वां खोजकर्ता वाहन है जिसके पहले भी 4 खोजकर्ता वाहन को बनाया जा चुका है जैसे स्प्रिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और सोजर्नर। यह नासा के द्वारा बनाया गया है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है और यहाँ के प्रशासक जिम ब्रिडेन स्टाइन है। इसमें इतना ही, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की कि 2021 तक पहली छमाही यानी 6 महीने के अंदर चंद्रयान
3 को लॉन्च करने की योजना बनाई गई। इसमें आइए हम बात करते हैं चंद्रयान 2 से, एक चंद्रमा मिशन से जो है सभी ने सीखते हुए 2019 में लॉन्च किया था, जो कि फेल रहा था। हुआ यूँ कि विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर जाकर लैंडिंग के बाद संपर्क खो दिया था। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा यह जो चंद्रयान 3 है उसे लॉन्च किया जाएगा, जिसको डिज़ाइन करने के लिए लगभग 610 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे 2 भाग में खर्च किया जाएगा, जिसमें रॉकेट जो लॉन्च किया जाएगा उसकी जो करोड़ों की खर्च है वह 360 है। चंद्रयान 3 को उसी क्षेत्र में लॉन्च किया जाएगा जहां से 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चंद्रयान 3 में इतना ही, आइए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की, यानी हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित। हमारा प्रश्न है कि नूपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की उप महानिरीक्षक पद पर नियुक्त हुई हैं। वे ऐसी पहली महिला बन गई हैं, यानी नूपुर कुलश्रेष्ठ ऐसी पहली महिला बनी है जिन्हें भारतीय तटरक्षक बल पर उप महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया। हमें बताना है कि भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कौन है, तो यह हमारे ऑप्शंस हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन है। इसका मुख्यालय यानी या जो तटरक्षक बल है उसका जो मुख्यालय वह कहाँ है, नई दिल्ली में स्थापित है, और यह कृष्ण स्वामी नटराजन। आइए हम आगे देखते हैं। और आप यह जो फोटो देख रहे हैं ये वह नूपुर कुलश्रेष्ठ है जिन्हें भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल को औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को भारत की स्वतंत्रता बल के रूप में संविधान के तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत स्थापित किया गया था। इसमें तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, मछली पालन विभाग, राजस्व विभाग यानी शुल्क सेवा, उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार पुलिस बलों के साथ मिलकर कार्य करती है। नूपुर कुलश्रेष्ठ जो कि भारतीय तटरक्षक बल में 1919 में शामिल हुई थी, उन्होंने विभिन्न संगठनों का संचालन भी किया है। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक के, यानी किताब से संबंधित। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक की 104 जयंती के अवसर पर जो है पुस्तक जारी की गई। इस पुस्तक का नाम है द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट। इस पुस्तक का अनावरण किया गया नवीन पटनायक जी के द्वारा। इसका अनावरण किया गया, हमें बताना है कि नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, या हमारे ऑप्शंस हैं। आपको बता दें कि नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और यह पुस्तक जो है कुछ इस प्रकार से है, और उड़ीसा के जो राज्यपाल वह गणेशी लाल हैं। इसे कलिंगा फाउंडेशन द्वारा और क्रिएटिविटी वेयर हाउस द्वारा प्रकाशित की गई। यह एक कॉमिक बुक है, एडवेंचर ऑफ ए डेयर डेविल डेमोक्रेटिक, जो है बीजू पटनायक के जीवन पर आधारित है। यानी नवीन पटनायक के जो पिता हैं उनके जीवन पर यह आधारित पहली पुस्तक है। इस पुस्तक में जो है उनके जीवन के बारे में बताया गया, और यह पुस्तक खासा युवाओं को प्रेरित करती है अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की, यानी खेलकूद संबंधित खबरों की। प्रश्न है कि 2019 के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, यह हमारे ऑप्शंस हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में पीवी सिंधु को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 के लिए सम्मानित किया गया है। यह एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। इसके बाद बता दें कि बीबीसी ने एक और अवार्ड की घोषणा की है, पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यह रही पीवी सिंधु, जिन्हें बीबीसी के द्वारा जो यह अवार्ड है वह दिया गया है। एक और टॉपिक की बात करेंगे, यानी निधन से संबंधित खबरों की। प्रश्न है कि हाल ही में मैक्स वॉन सीडो का निधन हो गया, वे कौन थे, या हमारे ऑप्शंस हैं। या जो है वह स्वीडिश यानी स्वीडेंस अभिनेता है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। मैक्स वॉन सीडो का भी हाल ही में निधन हो गया है, और ये रहे मैक्स वॉन जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
इसमें इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप अमित सर को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर ले, इस लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जहाँ पर हम डेली अपने करंट अफेयर्स की PDFs अवेलेबल, और या हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर हम डेली अपने करंट अफेयर्स की वीडियोस को पोस्ट करते हैं, और या अदर सोर्स जिसके थ्रू भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आप अमित सर को इस लिंक पर जाकर फॉलो कर लें और उनके द्वारा जो भी कोर्स दिए गए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। धन्यवाद।